गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज फाइनली जा रहे हैं हम आज अजमेर मिशन। तो फाइनली हो चुके हैं अजमेर में एंटर और हम दिखाएंगे आपको यहाँ का पूरा सिटी व्यू। तो चलते हैं हम। तो गाइज आज हम दिखाएंगे आपको अजमेर का पूरा व्यू। तो हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे महाराणा प्रताप का काफ़ी अच्छा स्टेचू बना हुआ है। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम महाराणा प्रताप स्मारक और यहाँ पे महाराणा प्रताप का काफ़ी अच्छा स्टेचू बना हुआ है और काफ़ी अच्छी जगह है। और इधर आई लव अजमेर जो कि जे इसका टूटा हुआ है। महाराणा प्रताप स्मारक और ये स्मारक बना हुआ है महाराणा प्रताप का। और गाइस काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, काफी अच्छा गार्डन है। तो गाइस देख सकते हो ये आप महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये पुष्कर घाटी के पास है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और हम दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा व्यू। और ये पुष्कर घाटी है, यहाँ से अजमेर सिटी का थोड़ा बहुत व्यू भी दिखता है। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, देख सकते हो आप। हम दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। अच्छा गार्डन है और काफ़ी अच्छा व्यू है फोटोग्राफी के लिए, अजमेर एक अच्छी सिटी घूमने के लिए। तो गाइस महाराणा प्रताप स्मारक देख चुके हैं अब, और चलते हैं हम आगे अजमेर की ओर और देखते हैं और भी चीज़ें। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं माना सागर लेक और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, काफ़ी अच्छी जगह। और ये पूरी झील है, तो गाइस ये आना सागर लेक है और इसका निर्माण महाराणा प्रताप के पिता अनुराध ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। ये एक कृत्रिम झील है और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, हम दिखाते हैं आपको। ये काफ़ी बड़ी झील है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं और यहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जा रहा है, मछलियाँ भी हैं इसमें बहुत सारी। तो गाइस ये आना सागर झील, अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको व्यू। तो गाइस ये अजमेर का किला है और चलते हैं हम इसके अंदर और देखते क्या है। आ चुके हम राजकीय संग्रहालय अजमेर। टिकट ले लिए भैया। आ चुके हम किले के अंदर और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। संग्रहालय अजमेर है ये।
होगा इस ये टोकीदार और पत्थर कला बंदूक है और ये बारूदानी है। काफी बड़ी और काफी अच्छी अच्छी बंदूकें हैं। तोड़ेदार बंदूक है गाइस, काफी बड़ी है और काफी अच्छी लग रही है। तलवार और ढाले हैं। Head southeast toward National Highway 58, then turn left onto National Highway 58. तलवारें हैं और ढाले हैं, लगभग काफी अच्छी अच्छी तलवारें और काफी भारी भी लग रही है। ढाले हैं उत्तर मध्यकालीन और ये उत्तर मध्यकालीन शिरोशास्त्र भाले हैं। गैस कटारे हैं जो भी बहुत सारी काफी अच्छी अच्छी और गैस ये काफी सारे हथियार हैं, छुरी, कटार, जगनोल, बुगदा, फरसा, अजीब अजीब नाम है, वो काफी अच्छे लग रहे हैं उस जमाने के हथियार है। ये भी ढाले और कटारे हैं। धनुष और बाण किला लेके भूमि दान ताम्र पत्र जो कि ताम्र के पत्र पे लिखे हुए हैं। तो गाइस ये संगमरमर से बनी हुई तस्तरियां हैं, जंगली सूअर भालू कास्ट की सजावटी वस्तुएं गाइस जो कि काफी सुंदर लग रही है। और ये वीणा है 20वीं शताब्दी ईसापूर्व। ये हड़प्पा कालीन लाल मृदभांड के अवशेष हैं और इसके बाद फूलदान कलश दान है, 5000 वर्ष पुराने लगभग। और ये छोटे लघु मृदभांड प्राचीन ये भी लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। और ये चित्र में और ये मानव आकृतियां हैं। GPS signal lost.
और गाइस ये पुराने जमाने की कुल्हाड़ियाँ हैं और ये तांबे के उपकरण हैं, काफ़ी सालों पुराने। ये सिलबट्टा है, काफी पुराना, पकी हुई ईंटें और ये भी पकी हुई ईंटें हैं। और ये प्राचीन बाट है। और ये गैस पुराने समय में गेहूं को स्टोरेज करने के लिए आगे। और विभिन्न प्रकार के हड़प्पा कालीन मृत भांड रखे हुए हैं। निर्मित वस्तु है तो गाइस ये जलकारी बाई का स्मारक है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।